हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। होप यू आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। भाई लोग, आज है 1 मार्च एंड आज से मेरा जो जिम है ना उसका सब्सक्रिप्शन हुआ चालू। तो आज से सुबह सब मेरे को जल्दी उठना पड़ेगा एवरी डे एंड सुबह सुबह जिम जाना पड़ेगा, क्योंकि भाई शाम को मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं होता है जिम जाने का। टाइम मेरे पास एक ही है, वो है सुबह। जब पहले भी जा रहा था, जब मैं वेट लॉस कर रहा था तभी मैं मॉर्निंग में जाता था, बहुत अर्ली जाता था। 5 बजे मैं जिम में होता था, 4 बजे उठता था। लेकिन इस बार ऐसा नहीं करेंगे, इस बार इतना अर्ली नहीं करेंगे। इतना अर्ली करने से ना पूरा दिन बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो जाता है। 5 साढ़े 5 बजे तक उठेंगे, 6 साढ़े 6 बजे तक चल जाएंगे। 8 घंटे का जिम रहेगा एवरी डे का, आराम से उठाना चाहिए। बाकी अभी सुबह सुबह ब्राउन ब्रेड खा रहा हूँ, पीनट बटर बस अब है नहीं। वैसे मैं पीनट बटर खाता नहीं, रुद्रा बोला है खाने के लिए, मंगा तो चुका हूँ। आ जाएगा तो ब्रेड के ऊपर ला के खाएंगे, उसको खा के जाएंगे जिम। लेकिन भाई ये तो मेरे को पता है, आज जिम तो मैं चल जाऊँगा, लेकिन आने के बाद जो हालत ख़राब होगी ना। लास्ट टाइम मैं जब ज्वाइन किया था, फर्स्ट वीक इतना हालत ख़राब हुआ था, बिल्कुल उठा ही नहीं जा रहा था। इस बार भी वही होने वाला है, क्योंकि बहुत दिन का 2-3 महीने गैप हो गया। अब निकलते हैं, मेरे को वैसे बहुत लेट हो रहा है, 6 बज चुके हैं। जब जब सुबह सुबह जा ही रहे, चार्जर भी इधर ही रखा हुआ है, अपनी स्कूटी को चार्ज में लगा जाते हैं। कल हम लोग जब इतना घूम फिर के आए हैं, स्कूटी 30% ही अराउंड हो गई एंड अभी तक चार्ज भी नहीं है। रात भर ओवरनाइट चार्ज में लगाना बंद कर दिया हूँ, अभी लगा के चल जाता हूँ। आते आते 20-30% बढ़ गए हो गया, तो क्योंकि जाना होगा तो आराम से जा पाएंगे, दोबारा सोचना नहीं पड़ेगा। चार्ज में लगाते हैं एंड देन गाड़ी लेके चलते हैं, क्योंकि फॉग ज़्यादा है, स्कूटी में जाएंगे तो भीग जाएंगे। गाइस एक बार बाहर का हाल देखो, इतना ज़्यादा फॉग हो रखा है। अभी मैं अगर स्कूटी लेके आता तो जब तक मैं जिम पहुँचता तब तक एकदम भीग चुका होता। जैसे हम लोग पूरे गए थे तो जो हाल हुआ था वैसा ही हाल होता। लेकिन अच्छा है गाड़ी ले आया, अब तो भीगने का कोई टेंशन नहीं है। लेकिन मैं थोड़ा लेट हो चुका हूँ, मैं उनको बोला था मैं 5:30-6 बजे तक पहुँचूंगा, अभी 6:15 हो चुके हैं एंड मैं अभी तक नहीं पहुँचा हूँ। फटाफट जाना पड़ेगा फटाफट, वैसे अभी यहाँ से और 10 मिनट का रास्ता है। ओ बैड रोड एंड हम लोग के घर के आगे, हम लोग का जो मेन रोड है ना, जो मेन रोड से हम लोग का जो कॉलोनी का रोड कनेक्ट होता है, वहाँ पर भी कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। उसकी वजह से एकदम घूम फिर के कहाँ कहाँ अंदर अंदर से मैं जा रहा हूँ, लेकिन कोई नहीं, 10 मिनट के अंदर अंदर पहुँच जाऊँगा। के लिए तो जिम हमारा कंप्लीट हो गया, अभी 7:30 हो रहे हैं। मैं आपको अपने जो ट्रेनर है ना उनसे नेक्स्ट वाले व्लॉग में मिलाऊंगा एंड जो जिम है वो भी नेक्स्ट वाले व्लॉग में दिखाऊंगा। लेकिन भाई उनको मैं बताया कि यार ज़्यादा, वो खुद ही बोल रहे थे कि अभी 2-3 महीने का गैप हो गया था तो ज़्यादा ट्रेन नहीं करेंगे आज, तो ज़्यादा ट्रेनिंग नहीं, जो नॉर्मल बेसिक सा होता है वही किए, नहीं तो अगर आज ज़्यादा ट्रेनिंग करते तो मैं उठने के हाल में नहीं होता। फिर भी नॉर्मल जो बेसिक्स होता है वो सारा किए, ये वीक शायद बेसिक से चलेगा, उसके बाद जो हम लोग का ट्रेनिंग है वो एक्चुअल ट्रेनिंग है जिसमें फटेगी वो चालू होगी। सो ये वीक एंजॉय कर लेते हैं, वो बोले नेक्स्ट वीक से फिर डाइट वगैरह भी चेंज होगी, तो लेट्स सी जो होगा देखा जाएगा। अच्छे के लिए कर रहे हैं, फिजिक बनानी है अब बढ़िया, अब पैसा दे चुके हैं कुछ ना कुछ तो बनाना ही पड़ेगा, नहीं बनाएंगे तो घर में फिर डंडा पड़ेगा। कोई नहीं, 7:30 हो रहे हैं, अभी मैं जा रहा हूँ घर, मस्त प्रोटीन शेक पीऊँगा, उसके बाद फ्रेश व्रेश होकर हम लोग जाएंगे ब्रेकफास्ट करने के लिए। ब्रेकफास्ट हम लोग, भाई बहुत लोग कमेंट करके बोलते हैं बाहर का ब्रेकफास्ट इतना मत खाया करो, लेकिन आपको बता दूँ जो खाते हैं हम लोग ब्रेकफास्ट हेल्दी ब्रेकफास्ट खाते हैं, इधर उधर का फ्राई आइटम बिल्कुल नहीं खाते। रुद्रा को मैं फ़ोन करके बोल दिया, वो भी रेडी हो रहा है, मैं घर जा रहा हूँ, अभी रेडी होऊंगा, उसके बाद हम लोग ओला लेके निकलेंगे। ओला चार्ज में लगा के आते ना, ओला ही लेके निकले और गाड़ी नहीं लेके जाएंगे। अब ट्रैफिक का, अब धीरे धीरे भीड़ बढ़ेगी, इसको घर में रखते हैं, ओला लेके निकलते हैं, थोड़ा मज़ा आएगा। जब तक टू व्हीलर नहीं चलाया तब तक मज़ा नहीं आता है। सुबह जिम से आने के बाद मैं ओला लेके निकला था, मैं और रुद्रा दोनों गए थे ब्रेकफास्ट करने के लिए। मैं जब रास्ते के बीच में कैमरा ऑन किया, मतलब कि गोप्रो ऑन किया, तब पता चला कि पता नहीं कैसे गोप्रो की बैटरी एकदम ड्रेन हो चुकी थी, कैसे हुई समझ में नहीं आया। लेकिन फिर थोड़ा देर बाद मैं बहुत सोचा, मेरे को जब चीज़ें हो जाती उसके बाद सोचने में बड़ा मज़ा आता है। उसके बाद मैं जब सोचा फिर मेरे को याद आया कल रात में मैं फ़ाइल ट्रांसफ़र कर रहा था, एंड जब मैं फ़ाइल ट्रांसफ़र किया, फ़ाइल ट्रांसफ़र करने के लिए कल एंड कल का जो व्लॉग है, लास्ट व्लॉग जो था वो मैं अपने फ़ोन में एडिट करके डाला, ठीक है। तो फ़ोन में एडिट करने के लिए मेरे को गोप्रो की सारी फाइल्स फ़ोन में लेनी थी, तो जब मैं गोप्रो से फ़ोन में फ़ाइल्स ले रहा था उसके लिए गोप्रो ऑन किया था, एंड फाइल्स लेने के बाद क्या हुआ, गोप्रो को ऑफ करना मैं भूल गया। गोप्रो वैसे का वैसे ही था, लेकिन मेरे को लगता था गोप्रो 5 मिनट यूज़ नहीं होगा, खाली ऑन के मोड में रहेगा, रिकॉर्ड मोड में नहीं रहेगा, एंड 5 मिनट से ज़्यादा हो जाएगा तो ऑटोमेटिक ऑफ़ हो जाना चाहिए। मेरे को लगता है वैसा हुआ नहीं एंड वैसे ही सारी गोप्रो की बैटरी ड्रेन हो गई। एंड जब मैं फ़ाइल ट्रांसफ़र कर रहा था तो मैं गोप्रो को चार्ज में लगा के रखा था, एंड जब मैं लास्ट देखा था गोप्रो 100% था, तो मेरे को तो पूरा ये श्योर था कि गोप्रो में चार्ज है, फुल है चार्ज।
लेकिन उसके बाद मेरे को अपने कैनन के कैमरे से भी फाइल ट्रांसफ़र करनी थी, तो फिर गोप्रो को मैं चार्ज में निकाला, मेरा फ़ोन का बैटरी डाउन हो रहा था, फ़ोन को चार्ज में लगा दिया एंड गोप्रो मैं वैसे का वैसे ही रख दिया। उसके बाद क्या हुआ, गोप्रो की बैटरी पूरी ड्रेन हो गई। सुबह लेके जब मैं निकला तो रास्ते के बीच में समझ में आया कि बैटरी है ही नहीं गोप्रो के अंदर, तो हम लोग जाके तो आ गए। फिर मैं सोचा कि खाली व्लॉग को ऐसे 4-5 मिनट का रख के तो ख़त्म नहीं कर सकते, अभी मैं थोड़ा निकल रहा हूँ बाइक लेके काम पे जा रहा हूँ, तो सोचा कि इसी को व्लॉग को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। ये थी पूरी स्टोरी। अगर हो जाता ना तो हम लोग बीच में, आज बहुत मज़ा किया सुबह, तो अगर रिकॉर्ड हो जाता तो अच्छा था, लेकिन कोई नहीं, नो प्रॉब्लम। ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती है, परेशान नहीं होने का। बड़े दिनों के बाद आज मैं अपनी बाइक निकाल रहा हूँ, अभी इस टाइम अभी दोपहर के 2:30 हो रहे हैं। धूप मतलब एकदम कड़ी धूप है, इतनी कड़ी धूप की मैं क्या बताऊं, हाथ तो मेरे जल ही रहे हैं, मेरे को पता है जो हाथ जलते हैं ना उसके वजह से। आज मैं जो बैलकलावा पहनता हूं, मेरे को बैलकलावा 2-3 लेना है, वो बैलकलावा मैं रात में ले लूँगा एंड उसके बाद, और जो दूसरा एक दो और चीज़ लेना है मेरे को हाथ में जो पहनते हैं कुछ एक, ताकि हाथ टैन ना, वो भी लेना है, वो भी आज मैं रात में सब कुछ सब ले लूँगा। मेरा ये जो मिरर्स है ये पूरे जंक हो चुके हैं, ये मिरर्स भी चेंज करा दूँगा मैं, ओके। जंक वाले मिरर्स अच्छे नहीं लगते हैं एंड ये जो मिरर की क्वालिटी है बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। अरे 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 भाई रुक जाओ, इसमें मेरे को पीछे का ना बहुत कम व्यू मिलता है। ऐसे सेम बार एंड मिरर एक और अच्छी क्वालिटी के भी आते हैं, सब 500 रुपये के ही हैं, 500 के ऊपर कुछ नहीं है। ये भी 500 है, वो भी 500 है, बात वही है कि आप जिसे खरीद रहे हो उसके पास क्या स्टॉक में अवेलेबल है। अगर ये अवेलेबल होगा तो वो ये चेप देंगे, ये नहीं होगा अच्छा वाला होगा तो वो अच्छा वाला भी चेप ही देंगे, तो आपके किस्मत के ऊपर है कि रिटेलर के पास क्या अवेलेबल है। ये चीज़ तो ऑनलाइन मांग के कोई फ़ायदा ही नहीं है भाई, इसको स्टोर से लेके चेक करके लेना ज़्यादा बेटर होता है। 500 रुपये के मीटर साथ में 20-30 रुपये की फिटिंग होती है। मेरी जो बाइक की चेन है वो भयंकर ड्राई हो रखी है, भयंकर मतलब इस लेवल की। बाइक में अगर मैं चलाने के टाइम क्लच दबा दूँ, बाइक की अगर साउंड एकदम कम जाए, तो मेरे को चेन की चू 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 करके आवाज़ आ रही है। इसको ये जब वॉश कराया था तो कल मैं उसको बोला था कि चेन पे भी अच्छे से पानी मार दे, ताकि चेन है ना वो क्लीन हो जाए एंड उसके बाद मैं ल्यूब मार दूँ, एंड ल्यूब मारना आज पॉसिबल नहीं था, ल्यूब कल मार लेंगे। मेरा पैडॉक रुद्रा के पास है तो कल बाइक सुबह सुबह ले जाएंगे उसके पास एंड कल इसको पक्का से ल्यूब कर देंगे। चू 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 साउंड होता है, लगता है ऐसा कि कोई चूहा है बाइक के अंदर, बड़ा अजीब सा लगता है। जैसे आज शिवरात्रि है तो उसके वजह से सब कुछ बंद है, सारे बैंक वगैरह सब बंद, रास्ता भी थोड़ा खाली खाली है। इस ये वाले व्लॉग के लिए इतना ही रखते हैं, व्लॉग अच्छा लगा तो एक लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना। फिर दैट्स इट गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।